नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं स्पेन 9 न्यूज। ना कोई अब्बा जान है, ना कोई चचा जान है, ये सिर्फ एक डब्बा जान है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने ये बयान दिया है। ये तंज कसा है और ये निशाना साधा है किसी और पे नहीं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर। उन्होंने कहा है और क्यों कहा है वो मैं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में कहा है और वो ये कि ये ना चचा जान है, ना ये अब्बा जान है, ये एक डब्बा जान है। यानी जिस तरह से राहुल गांधी को शुरू से संबित पात्रा तरह तरह के बयान देते रहे, बेतुके बयान देते रहे, गैर जिम्मेदाराना बयान देते रहे, वो आज तक जो है वो लागू हुआ वो कही रहे। ये अब्बा जान की कहानी कहाँ से शुरुआत हुई वो आप बाखूबी जानते हैं। यूपी में चुनाव होने वाले हैं, सीएम योगी ने जो है एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये कहा था कि जो लोग पहले गरीबों का राशन अब्बा जान के समर्थन करने वाले खा जाते थे, आज योगी सरकार के कार्यकाल में उन गरीबों तक राशन पहुँच रहा है। एक मेरा सवाल है सीएम योगी सरकार से, देश की सरकार से, कि 40 करोड़ को पीएम मोदी ने कहा कि 40 करोड़ लोग 80 करोड़ लोगों को राशन दिए गए, देश में इतने लोग गरीब हैं जो वादे करती थे कि $5 ट्रिलियन बनेगा हमारा देश, तरक्की करेगा, आज उस देश में गरीब कितने हैं, इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब देखना होगा कि संबित पात्रा ने जो तंज कसा है, जो निशाना साधा है, जो हमला किया राहुल गांधी पे, जिसको डब्बा जान कहा है, अब्बा जान के बाद चचा जान आए, चचा जान के बाद अब डब्बा जान आ गए हैं, तो इस पर राहुल गांधी का क्या प्रतिक्रिया रहती है, कांग्रेस के तरफ से इस पर क्या बयान आते हैं, जो भी अपडेट्स आएंगे स्पेन 9 न्यूज़ के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें स्पेन 9 न्यूज़। नमस्कार।